नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हमने यूपीएससी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों और विभिन्न राज्य सरकारों की प्रशासनिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रमों पर केंद्रित वीडियो आपके लिए बनाए हैं। इस बार हम आपको बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के कबीर दास जी के 100 पदों को उनकी व्याख्याओं के लिए ले रहे हैं। कबीर दास जी भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण धारा के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। हम इसका एक हिस्सा पूरा कर चुके हैं और अब हम उसके दूसरे हिस्से में, दूसरे भाग में आ रहे हैं, जिसका शीर्षक है सुमिरण को अंग। कबीर के पदों का यह भाग सुमिरण को अंग शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। सुमिरण यानी स्मरण, स्मरण शब्द का ही यह अपभ्रंश है। इन पदों में कबीर दास जी ने अपने निर्गुण ब्रह्म का स्मरण किया है। उन्होंने यहाँ पर राम कहकर भी ब्रह्म को ही संबोधित किया है, पर यह याद रखना बहुत आवश्यक होगा कि कबीर के राम दशरथ पुत्र राम न होकर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म हैं। वे निराकार ब्रह्म को ही राम कहकर संबोधित करते हैं। तो सुमिरण को अंग वाले पदों की व्याख्या की शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला पद। कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होइगा नहितर भला न होई। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली से अवतरित है। प्रसंग होगा प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने इस स्मरण की महिमा का वर्णन किया है। और अब व्याख्या देखते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं तो सदा से यही कहता आ रहा हूँ कि परमात्मा की साधना करने से ही मनुष्य का कल्याण होगा। मेरी इस बात को सुनते तो सभी लोग हैं, परंतु उसे अपने आचरण में नहीं लाते। आचरण में लाने से ही भला होगा, सुनने मात्र से भला नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इस पद में क्या विशेषताएं हैं। पद सुषमा तो सदुक्कड़ी भाषा है, सरलतम तरीके से भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है, गेयता का गुण है, माधुर्य गुण भी है और शांत रस है। भक्ति के जितने भी पद होंगे उनमें प्रधानतः शांत रस ही पाया जाता है। अब हम पद दूसरा देखते हैं। कबीर कहे मैं कथ गया ब्रह्म महेश, राम नाव तत्सार है सब काहू उपदेश। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, तो कथ यानी कहना, संदर्भ प्रसंग पहले वाले पद की तरह ही रहेगा, इसलिए उसको यहाँ हम नहीं दोहराएंगे। सीधे व्याख्या पर आते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि राम
अर्थात परम सत्ता के नाम की साधना में ही सर्व तत्वों का सार समाया हुआ है। यही बात विभिन्न रूपों में स्वयं ब्रह्मा और शिव ने भी कही है और संसार को इसका उपदेश दिया है। पदलालित देखिए, इसमें अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और दृष्टांत अलंकार भी है। दृष्टांत अलंकार इसलिए है क्योंकि उदाहरण देकर अपनी बात को समझाया गया है। इसके अलावा दोहा छंद है, गीता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। विशेष बात इसमें यह है कि कबीर कहना चाहते हैं परमात्मा के स्मरण में ही जीव का कल्याण है। अब तीसरा पद शुरू करते हैं। तत तिलक तिहु लोक में राम नाम निज सार, जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। लोक यानि संसार, सार यानि महत्ता, शोभा यानि महिमा। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं तीनों लोकों अर्थात पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक में राम की नाम रूपी महत्ता के तत्व की ही प्रतिष्ठा है। मैंने भी इसी तत्व तिलक को जब से अपने माथे पर लगाया है तभी से मेरा महत्व कई गुना बढ़ गया है। अर्थात जब मैंने राम के नाम के महत्व को जान लिया, उस तत्व को समझ लिया और उसे ग्रहण कर लिया, अपने आचरण में ले आया, तब मैं भी महत्वपूर्ण बन गया। कबीर चंदन के तिलक की तुलना में परमात्मा के स्मरण का तिलक लगाना कहीं ज़्यादा उत्तम समझते हैं। पद सौष्ठव देखते हैं तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक है, व्यंगोक्ति भी है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, गेयता का गुण है, माधुर्य गुण है और शांत रस है। अब हम शुरू करते हैं चौथा पद। भगति भजन हरि नाव दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरण सार। भगत यानि भक्ति, मनसा यानि मन से, वाचा यानि वचन से, वाणी से, कर्मना यानि कर्म से। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं भक्ति भजन और परमात्मा का स्मरण ही संसार से मुक्ति पाने का वास्तविक रास्ता है। इसके अलावा अन्य मार्ग तो अपार दुख ही प्रदान करते हैं, इसलिए यही उचित है कि मन वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण किया जाए, उसी में सार है। पद सौंदर्य देखिए, अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है, गीता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। अब हम पांचवा पद कर रहे हैं। कबीर सुमिरण सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया दूजा देखो काल। सकल यानि समझ, जंजाल यानि विपत्तियाँ। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा का स्मरण करना ही सर्वोत्तम है। अन्य सभी मार्ग विपदाओं की तरह केवल
दुखदायी ही होते हैं। मैंने इस विषय में आरंभ से अंत तक जांच पड़ताल करके देख लिया है, तब इस परिणाम पर मैं पहुंचा हूं। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग देखना तो काल को ही देखने के समान है। पद सौंदर्य, इसमें अनुप्रास, उपमा और रूपक तीन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा दोहा छंद है, गीता है, माधुर्य गुण है, शांत रस है, सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। और अब करते हैं हम पद छठवें की व्याख्या। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवें राम बिन सोई काल की पास। चिंता यानि चिंता, चितवें यानि देखना, चिंतन करना, काल यानि मृत्यु। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेंगे। असल में संदर्भ प्रसंग की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने इनका उपयोग इसलिए किया है ताकि आपको बार बार ये स्मरण रहा आए कि जो पद हम कर रहे हैं वो कहाँ से लिया गया है, किसका है और उसमें कौन सी बात कही जा रही है। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, मुझे तो केवल परमात्मा नाम के स्मरण की ही एकमात्र चिंता रहती है। इस दास को इसके अलावा और किसी बात की कोई चिंता नहीं है। परमात्मा के अलावा कहीं और देखना, किसी और चिंतन में पड़ना, असल में काल के हाथों में ही पड़ जाने के समान है। अर्थात अपने आप को आप मृत्यु के हाथ में सौंप देंगे। पद सौष्ठव देखिए, सदुक्कड़ी भाषा है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, गीता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। इस पद की विशेष बात यह है कि स्मरण की महत्ता का प्रतिपादन हुआ है और ये सभी पदों में हुआ है, तो हम सब में ऐसा विशेष लिख सकते हैं। अब हम आ रहे हैं सातवें पद पर। पंच संगी पीव पीव करें, छठा जो सुमिरे मन, आई सूत कबीर की पाया राम रतन। पंच संगी, पांच साथी, कौन कौन हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। इन पांच तत्वों से संसार की रचना हुई है, शरीर की भी रचना हुई है, इसलिए इनको पंच संगी कहा गया है। छठा यानि छठवां और सूत यानि सीप, सीपी जिसमें मोती बनता है। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह व्याख्या करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि पंच तत्वों और पांच इंद्रियों वाला शरीर अपनी संपूर्णता में परमात्मा रूपी प्रिय की रटना लगाए रहता है, अर्थात वो वही नाम बार बार रटता रहता है, उसी को पाना चाहता है। यह तब होता है जब मन छठवीं इंद्रिय अर्थात भोग विलास की ओर आकर्षित होता है। मैं साधना के उस स्तर पर जा पहुंचा हूं जिसने मुझे परमात्मा रूपी अमूल्य रत्न प्रदान कर दिया है, अर्थात भोग विलास मुझे आकर्षित नहीं कर सकते। पद सौंदर्य, स्वरूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मैंने आपको पहले भी बताया था, वहाँ पर होता है जब किसी एक ही शब्द को दो बार प्रयोग में लाया जाए। दूसरा है, इसमें दोहा छंद है, गीता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है।
इसका एक भावार्थ भी है, उसे भी जान लीजिए। जब पांचों इंद्रियां परमात्मा का चिंतन करें और छठवां मन भी परमात्मा का ही स्मरण करने लगे, तो ऐसी साधना होती है कि परमात्मा रूपी अनमोल रत्न प्राप्त हो जाता है। आठवां पद करने जा रहे हैं, मेरा मन सुमिरई राम को, मेरा मन राम ही आह, अब मन राम ही हुए रहा, शीस नवावं काहे। सुमिरई यानी स्मरण करना। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन परमात्मा का स्मरण करते करते स्वयं ही राम में समा गया है। जब मन ही परमात्मा में समा चुका है, तब अब मैं किसके आगे अपना सिर नमाऊं? अर्थात मन जब परमात्मा से एकाकार हो जाए, तब वह स्वयं ही परमात्मामय हो जाता है। पद सूक्ष्मा देखते हैं, इसमें अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, गीता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। तीसरा बिंदु है कि भक्ति की चरम अवस्था का चित्रण किया गया है, और ये चरम अवस्था है जब आत्मा परमात्मा मय हो जाती है। ऐसा भारतीय जो दर्शन है, उसमें जो अद्वैत दर्शन है, उसकी यही भावना है। नौवां पद कर रहे हैं, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह कठिन शब्द इसमें कोई है नहीं। व्याख्या करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं तेरा नाम लेते लेते तुझ में ही परिवर्तित हो गया हूँ। अब मुझ में मेरा अहम भाव नहीं रहा, मैं अपने आप को आप पर न्यौछावर कर चुका हूँ। उसी का परिणाम है कि मैं जहाँ भी देखता हूँ, मुझे तेरे ही दर्शन होते हैं। पद सौंदर्य, इसमें अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, दोहा छंद है, गीता का गुण है, माधुर्य गुण है और शांत रस है। विशेष यह है कि इसमें भक्त की अद्वैत दशा का चित्रण हुआ है। अब हम दसवां पद कर रहे हैं, कबीर निर्भय राम जपे, जब लग दी वही बाती, तेल घटिया बाती बुझौ, तब सोएगा दिन राती। निर्भय यानि निर्भयता के साथ, घटिया यानि घट जाना। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह व्याख्या करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक देह रूपी दीपक में श्वास रूपी बाती है, तब तक निर्भय होकर परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए। जब धड़कनें समाप्त हो जाएंगी और श्वास मिट जाएगी, फिर तो तुझे सदा के लिए विश्राम गति पा ही लेना है। तात्पर्य यह है कि प्राणों के रहने तक परमात्मा का स्मरण चलता रहना चाहिए। पदालित देखिए, इसमें रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, गीता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। विशेष बात यह है कि कवि कह रहा है आजीवन परमात्मा का स्मरण करते रहिए।